ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी बहुत ही प्यार भरी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में एक बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा था। बाबा खड़े हैं और बाबा के सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन थी और उस पे अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन दिखाई दे रहे थे और बाबा भी बहुत ध्यान से उसे देख रहे थे। कुछ सेकंड तो मैं भी उसे देखती रही, फिर बाबा ने मेरी ओर देखा, कहा कि आओ बच्ची। तो फिर बाबा उसी स्क्रीन को फिर से देखने लगे, तो मैंने कहा कि बाबा आज आप क्या देख रहे हैं। बाबा ने कहा कि आज बाप जो हैं बच्चों के संपन्न बनने की स्पीड क्या है और कितने तक पहुँचे हैं वो स्थिति और स्पीड को बाप देख रहे हैं। और बाबा मुस्करा भी रहे थे, कुछ सेकंड में बाबा गंभीर भी हो जाते थे, फिर कुछ सेकंड के बाद बाबा ने कहा सब बच्चे लाडले हैं, बहुतों ने बाप के पास अपनी प्यार भावनाएं भेजी हैं। तो बाबा ने कहा बाप सब बच्चों को वतन में बुला रहे हैं। बाबा ने उसे दोनों हाथ किए, कहा कि आओ मेरे लाडले बच्चे। तो मैं क्या देखती हूँ, बाबा के सामने बहुत से बच्चे वहाँ पहुँच गए और बाबा एक एक को दृष्टि दे रहे थे। दृष्टि के साथ साथ बाबा उन्हें प्यार भी दे रहे थे और बाबा की दृष्टि में दृष्टि से एक एक के पास ऐसी शक्ति और वरदान पहुँच रहा था। फिर बाबा ने कहा बच्चे आप सब ऑलराउंड बने हो, तो सब मुस्कराते हैं। बाबा को कहते बच्चे हम तो सब ऑलराउंड हैं। बाबा ने कहा अच्छा, अभी बाप जो है आप बच्चों से ऑलराउंड बनने की स्थिति क्या है उसके लिए बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। तो बाबा ने कहा कि एक सेकंड में सब बच्चे अव्यक्त फरिश्ता बन जाओ। तो उसमें क्या हुआ, कई बच्चे बड़ी मुश्किल से उस स्टेज पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कुछ तो बीच में कईयों के पंख जो हैं एक तरफ से अटक जाता, तो अव्यक्त फरिश्ता बनने के बजाय कईयों के पंख लटक रहे थे और कई तो अपने उस स्टेज पर पहुंचने का पुरुषार्थ कर रहे थे। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे अपने भविष्य दुनिया की जो आपकी सीट है, हर एक बच्चा अपनी अपनी सीट पर बैठ जाए। तो जैसे वो सीट पर बैठने लगते ना, जैसे कि वो म्यूजिकल चेयर गेम होती है, दौड़ते हैं सीट को कुर्सी को पकड़ने के लिए, ऐसे सीट पर वो बैठने लगते हैं। किसी की चेयर हाथ में नहीं आती, किसकी चेयर उल्टी हो जाती थी, कोई तो अपनी चेयर को ढूंढने में लगा हुआ था। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे अभी तुम बच्चे साइलेंस की शक्ति के द्वारा विश्व के अंदर पूरे प्रकंपन फैलाओ। तो जैसे ही साइलेंस की शक्ति के लिए बाबा ने कहा सब बच्चे बैठते हैं, किसी को तो क्या है ऐसे हिलते ढुलते थे, कोई साइलेंस का अभ्यास कर रहा है, किसके प्रकंपन जो है थोड़ी दूर तक पहुंचते थे और किसके प्रकंपन दिखाई भी नहीं दे रहे थे। तो बाबा ने ये सब सीन देखते हुए मुस्करा रहे थे। बाबा ने कहा देखो आज पूरे विश्व के अंदर ऐसा दिन मनाने जा रहे हैं, वो है इंटरनेशनल योगा दिवस, जिसके लिए हर एक अपनी हेल्थ को पावरफुल और तंदुरुस्त रखने के लिए फिजिकल एक्सरसाइजेस का अभ्यास करते हैं
और लेकिन तुम बच्चों को अपनी सोच स्थिति को पावरफुल रखने के लिए बाप ने पहले से ही कितने प्रकार के अभ्यास करने के लिए बच्चों को डायरेक्शन दिया हुआ है कि एक सेकंड में फरिश्ता बन जाए, एक सेकंड में बच्चे शक्तिशाली बन जाए, एक सेकंड में सारे विश्व को साकाश दे और एक सेकंड में अपनी संपन्न स्टेज पर रहे। फिर बाबा ने कहा सबसे बड़ी बात जो है इन सब का प्रयोग करने के लिए बच्चों को अपनी आंतरिक स्थिति को इतना शक्तिशाली बनाना है जिससे बाहर का कोई भी प्रभाव बच्चों की उपस्थिति पर ना डाले, क्योंकि अभी तक बच्चे जो हैं अपनी आंतरिक स्थिति को इतना पावरफुल नहीं बना पाए हैं। वो स्थिति हिलती डुलती है जिसके कारण जो ऑल राउंड पार्ट इस संगम युग के अंदर बच्चों को बजाना है उसके बजाने में कभी कभी थोड़ी कमी, कभी कभी अलबेलापन आ जाता है। फिर बाबा ने फिर बच्चों को सामने ला कर के तीन बातें कही। बाबा ने कहा बाप चाहते हैं समय की स्पीड तो तेज़ है लेकिन बच्चों के संपन्न बनने की स्पीड में बहुत अंतर है। तो संपन्न बनने के लिए बाबा ने कहा बच्चों को सदा ये नशा रहे कि बाप हमारा साथी हैं और साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति रहे, तब स्थिति जो है वो पावरफुल बनेगी। तो जब स्थिति पावरफुल होगी तो जो भिन्न भिन्न परिस्थितियां हैं वो कितना भी प्रभाव डालेंगे वो बच्चों के ऊपर कोई असर नहीं करेंगे। बाबा ने कहा दूसरी बात, बच्चों को अभी विशेष बीच बीच में टाइम निकाल करके साइलेंस और दूसरा अंतर्मुखता का अभ्यास करना है। ये अभ्यास अंतिम स्टेज के लिए बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात बाबा ने कहा सदा ये पक्का निश्चय और पक्का स्थिति रहे कि बाप सर्वशक्तिवान मेरी ही बैकबोन है और बाबा को जब अपना साथी बना के चलेंगे तो कोई भी प्रकार में उलझन नहीं रहेगी और सदा रहेगा कि बाप हमें शक्ति दे रहे हैं, उस शक्ति से अपनी स्थिति को पावरफुल बनाते जाएंगे। फिर बाबा ने सब बच्चों को इमर्ज करते हुए बहुत प्यार भी दिया। बाबा ने कहा बच्चे लाडले भी हैं, पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं, सबका ये उद्देश्य है संपन्न तो बनना ही है लेकिन कोई की स्पीड कैसी और कोई की स्पीड कैसी है, लेकिन अपनी स्पीड के संगठन को भी मजबूत रखेंगे, एक दो को उमंग उत्साह दिलाएंगे तो स्पीड में भी और पुरुषार्थ में भी संपन्नता आएगी। फिर तो बाबा को जिनके भोग थे उन सब के बारे बताया और बाबा ने उन सबको इमर्ज करते हुए दृष्टि देते वरदान दिया। फिर खास करके बाबा को बताया कि बाबा शांतिवन में माताओं की भट्टी चल रही है, उन सब का भी याद प्यार दिया और बाबा ने उनके लिए जो संदेश दिया वो उन्हें नीचे सुनाया जाएगा। और फिर बाबा ने क्या किया, जैसे भोग रखा था बाबा के पास तो बाबा सबको अपने पास ऐसे दृष्टि देते हुए सबके पास ऐसे भोग को दे रहे थे और सबके पास पहुंचा। बाबा ने कहा सदा संतुष्ट रहना है, खुश रहना है और खुशियां बांटते रहना है। फिर सबको याद दिया ओम शांति।